ये कहानी है देश के सातवें राष्ट्रपति जो इस पद पर पहुंचने से पहले विधायक, मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी रहे। ये कहानी है देश के सबसे बेबस राष्ट्रपति। ये कहानी है ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह को जरनैल सिंह भी कहते थे। उनका जन्म 5 मई 1916 को फरीदकोट जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम किसान सिंह था, जो एक किसान एवं बढ़ई थे। बचपन में ही उनकी माता चल बसी थी, जिस वजह से इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया था। जैल सिंह जी को शुरू से ही पढ़ाई से ज्यादा लगाव नहीं था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा भी पूरी नहीं की। जैल सिंह जी को उर्दू भाषा सीखने का मन हमेशा से काफी उत्साहित करता रहा, सो अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने उर्दू का ज्ञान प्राप्त भी किया। थोड़े समय बाद उन्हें गाना बजाना सीखने की धुन सवार हुई। पैसे की तंगी के कारण वे एक हारमोनियम बजाने वाले के यहाँ कपड़े धोकर उसका खाना बनाकर हारमोनियम बजाना सीखने लगे। पिता की राय मिलने पर वे गुरुद्वारा में भजन कीर्तन करने लगे। कुछ समय पश्चात उन्होंने अमृतसर के शहीद सिख मिशनरी कॉलेज से गुरु ग्रंथ का पाठ सीखा, जिससे वे गुरु ग्रंथ साहब के व्यवसायिक वाचक बन गए थे और उन्हें ज्ञानी की उपाधि से सम्मानित किया गया। देश की स्वतंत्रता एवं अपने देश के प्रति प्रेम के लिए जैल सिंह जी ने मात्र 15 वर्ष की आयु में ही ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध काम कर रहे थे। वह एक अकाली दल के सदस्य बन गए। 1938 में उन्होंने प्रजामंडल नामक एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया, जो भारतीय कांग्रेस के साथ मिलकर ब्रिटिश विरोधी आंदोलन किया करती थी, जिस वजह से उन्हें जेल भेज दिया गया और उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई। इसी दौरान उन्होंने अपना नाम बदलकर जैल सिंह रख लिया। प्रजामंडल पार्टी के गठन के दौरान उनकी मुलाकात मास्टर तारा सिंह से हुई, जिन्होंने उन्हें दोबारा अपनी शिक्षा शुरू करने की सलाह दी। किंतु जैल सिंह जी का पढ़ाई में मन नहीं लगता था और वे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में नौकरी करने लगे। स्वतंत्रता से पूर्व ज्ञानी जैल सिंह देश को स्वतंत्र कराने के लिए और अंग्रेज को देश से बाहर निकालने के लिए विभिन्न आंदोलनों का हिस्सा बने। सन 1946 में फरीदकोट जिले में किसी कार्यक्रम के दौरान जैल सिंह जी को अंग्रेज द्वारा तिरंगा झंडा फहराने से रोका गया। इस बात से परेशान जैल सिंह जी ने जवाहरलाल नेहरू जी को चिट्ठी लिख फरीदकोट आने का निमंत्रण दिया। फरीदकोट आने के बाद नेहरू जी ने देखा कैसे पूरा फरीदकोट जैल सिंह जी की बातों का अनुसरण करता है। यह देखकर नेहरू जी ने जैल सिंह जी की योग्यता पहचान ली और अपनी पार्टी से जोड़ लिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ज्ञानी जैल सिंह को पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्यों के संघ का राजस्व मंत्री बना दिया गया। 1951 में जैल सिंह जी कृषि मंत्री बन गए। इसके अलावा वे 1956 से 1962 तक राज्यसभा के भी सदस्य रहे। 1969 में जैल सिंह जी की राजनीतिक संबंध इंदिरा गांधी से काफी अच्छे हो गए थे। तत्पश्चात 1972 में वे पंजाब के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए। 1977 तक जैल सिंह जी इस पद पर कार्यरत रहे। 1980 में जैल सिंह जी को लोकसभा की सीट मिल गई और इंदिरा जी से मित्रता के चलते उनके कार्यकाल में जैल सिंह जी को देश का गृह मंत्री बना दिया गया। 1982 में नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सभी के मत से यानी जैल सिंह जी को राष्ट्रपति पद से नवाजा गया। 25 जुलाई 1982 को उन्होंने इस पद की शपथ ली। यानी जैल सिंह का राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल प्रारंभ से अंत तक विवादों से ही घिरा रहा। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के आदेश अनुसार जब सिख अलगाववादियों को पकड़ने के उद्देश्य से अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया, उस समय ज्ञानी जैल सिंह जी ही राष्ट्रपति थे। इस ऑपरेशन में आम लोगों की जान भी गई थी। इसकी भनक जब जैल सिंह को हुई तो वे गुस्से में तमतमा गए। उन्होंने सरकार से पूछा कि उनको इस बारे में क्यों नहीं बताया गया। कांग्रेसी खेमे में ज्ञानी जैल सिंह का विरोध इतना बढ़ गया था कि उनको सफेद पगड़ी वाला अकाली बुलाया जाने लगा था, मगर इंदिरा गांधी आखिरकार अपने निर्णय पर कायम रही और उसका नतीजा यह हुआ कि खालिस्तान की मांग शांत पड़ गई और इसकी कीमत इंदिरा गांधी को जान देकर चुकानी पड़ी। इंदिरा गांधी की हत्या और उसके विरोध में जब सिख समुदाय को मारा गया, तब भी जैल सिंह जी ही राष्ट्रपति थे। एक सिख समुदाय के होने के बावजूद सिखों पर हो रहे अत्याचार को इन्होंने नहीं रोका, जिससे इनका बहुत विरोध हुआ था। साथ ही आलोचना भी की गई। इसके बाद जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, तब किसी विधेयक को पास कराने को लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों में खिंचाव के समाचार भी सुनने में आने लगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन सिंह ने आत्मकथा लिखी। इस किताब का नाम है अ ग्रेन ऑफ सैंड इन द आवर ग्लास ऑफ टाइम।
इस किताब में ऐसी बातों का जिक्र किया गया है जिससे तमाम बहस भी होने लगी। कई लोगों ने किताब के तथ्यों को सही बताया तो किसी ने मनगढ़ंत कहानी करार दिया। लेकिन राजनीति इतिहास को वक्त का पहिया पलटकर आप नहीं देख सकते। उस दौर में लिखी गई किताबें ही हकीकत बयां करती हैं। अर्जुन सिंह जी ने लिखा है कि राजीव गांधी के कार्यकाल में उन्हें हटाने के लिए ज्ञानी जैल सिंह और कुछ कांग्रेसियों ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। अर्जुन सिंह को गांधी परिवार का करीबी माना जाता था। इसके अलावा पार्टी की आंदोलनिक राजनीति में वो सक्रिय भूमिका निभाते थे। अर्जुन सिंह नेहरूवादी विचारधारा के समर्थक और गांधी परिवार के वफादार रहे। अर्जुन सिंह ने अपनी आत्मकथा में एक और किस्से का जिक्र किया है। ये बात है 1987 के मध्य की। किताब में उन्होंने लिखा था, विदेश मंत्रालय से रिटायर्ड हो चुके केसी सिंह ने मुझसे मिलने का वक्त मांगा। मैंने समय दे दिया। वे मेरे पास एक उत्पटांग सूचना लेकर आए कि तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनके पद से हटाने वाले हैं। वे जानना चाहते हैं कि क्या मैं राजीव की जगह लेने को तैयार हूँ। किताब में लिखा है कि अर्जुन सिंह ने यह बात राजीव गांधी को बता दी और राजीव गांधी ने उनसे कहा, आपने सही किया। अगर यह शख्स आपसे मिलने के लिए वक्त मांगे तो पहले मुझे बता दीजिएगा। अर्जुन सिंह ने लिखा है, इंटेलिजेंस एजेंसी ने उन्हें केसी सिंह से मिलने की सलाह दी। दूसरी मुलाकात में भी केसी सिंह ने यही सवाल पूछा। अर्जुन सिंह लिखते हैं, कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने राष्ट्रपति की इस बात पर हामी भर दी है कि सही वक्त पर सामूहिक कार्रवाई होगी। हमारी बातचीत टेप हो रही थी। इस तरह तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से भी उनके रिश्ते खराब हो चुके थे। यानी कि एक वक्त था जब वे इंदिरा के फेवरेट वन थे, अब उनकी राजीव गांधी से रिश्ते खराब हो चुके थे। पंजाब में अलग खालिस्तान की मांग को शांत करने के लिए उन्हें राष्ट्रपति बना दिया गया, मगर ये रिश्ता बहुत ज्यादा नहीं चला। आखिर जब उन्होंने राजीव गांधी को ही सत्ता से बेदखल करने का प्लान बनाया तो अर्जुन सिंह ने उनके प्लान का सत्यानाश कर दिया। राजीव और राष्ट्रपति के बीच राजनीतिक रसाकसी और भी तगड़ी हो गई। एक संवैधानिक व्यवस्था के सहारे ज्ञानी जैल सिंह ने सरकार पर नकेल कसनी चाही। राजीव सरकार ने पोस्टल अमेंडमेंट बिल भेजा। ज्ञानी जैल सिंह पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर गए। इसके तहत राष्ट्रपति स्वीकृति के लिए आए किसी बिल को अनियमित काल तक के लिए अपने पास रोक सकते हैं। राजीव गांधी इस हरकत से बेहद नाखुश हुए। उनकी किचन कैबिनेट के कई सदस्य ने कहा, अब राष्ट्रपति का महाभियोग चलाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। वह देश की चुनी हुई सरकार के काम में अड़ंगा डाल रहे हैं। उधर कुछ सलाहकारों ने कहा, ऐसा करने से पंजाब की अलगाववादी समस्या और बढ़ जाएंगी। राजीव गांधी उस वक्त अकाली दल मुखिया लोंगोवाल के साथ समझौता की तैयारी में थे। ऐसे में जैल सिंह के खिलाफ सरकार थमी रही। कार्यकाल पूरा करने के बाद जैल सिंह राजनीति निर्वासन में चले गए। खबर में आए बरसों बाद 25 दिसंबर 1994 में तख्त श्री केसगढ़ साहिब जाते समय उनकी गाड़ी की दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। दिल्ली में जहां ज्ञानी जैल सिंह का दाह संस्कार हुआ था, उसे एकता स्थल के नाम से जाना जाता है। आज भी लोग वहां जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। यह केवल एक दृढ़ निश्चय और साहसी व्यक्ति वाला इंसान ही नहीं बल्कि एक समर्पित सिख भी थे। भारतीय राजनीति में आज भी उन्हें एक निरपेक्ष और दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस के लिए। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें ईमेल करें डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर। धन्यवाद।